संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। आज पुराने संसद में फोटो सेशन किया जाएगा, सेंट्रल हॉल में होगा एक समारोह। साथ ही समारोह के बाद नई संसद में प्रवेश होगा। नए संसद भवन में आज चलेगा सत्र। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आज जो सत्र है, विशेष सत्र जो कि 18 सितंबर से शुरू हुआ था, आज उसका दूसरा दिन है और जो सेशन है वो आज नई संसद भवन में चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। पुराने संसद भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मार्मिक विदाई दी। केंद्र सरकार ने 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में ही सोमवार को हुई और ये इस ऐतिहासिक धरोहर में कार्यवाही का आखिरी दिन भी था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी सांसद और इस भवन और परिसर में किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देने वाला हर शख्स भावुक हुआ। इसके साथ ही आपको बताते चले, जहां सत्र शुरुआत पीएम मोदी के भाषण के साथ हुई, जिसमें उन्होंने पहली संविधान सभा की बैठक से लेकर संसद के 75 वर्षों की उपलब्धियों और इसमें रची बसी यादों को ताजा करते हुए इस भवन में बीते कई अवसरों का जिक्र भी किया। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमने 75 वर्षों की यात्रा की है और जब हम इस संसद भवन को अलविदा कह रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि अब विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है 18 सितंबर से और आज दूसरा दिन है और जो सदन की कार्रवाई है वो नए संसद भवन में की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज संसद का विशेष सत्र का दूसरा दिन आज है और नए संसद भवन में आज से शुरुआत हो रही है कामकाज की। और आपने देखा कि तमाम सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं नए संसद भवन के, वो अलग ड्रेस में नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। खासतौर से अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो सांसद है वो पुराने संसद भवन में फिलहाल जुटे हुए हैं फोटोशूट के लिए। इसके साथ तमाम जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे नए संसद भवन तक जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में संविधान की वो कॉपी होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान तमाम जो कार्यक्रम है वो पुराने संसद भवन में भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि आज गणेश चतुर्थी का भी दिन है और आज से ही नए संसद भवन का एक तरीके से श्री गणेश होना है। हालांकि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसका पूरा शेड्यूल दिया गया है किस तरीके से इसकी पूरी कार्रवाई होगी। अगर हम बात करें तो सेंट्रल हॉल में करीब 11 बजे का समय है, जब एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस संसद भवन की में जो कार्यक्रम रखा गया है पुराने संसद भवन में, वहाँ पे पुराने संसद भवन की जो ऐतिहासिक विरासतें रही है उसके बारे में उल्लेख किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और देश को 2047 तक उससे पहले किस तरीके से विकसित भारत और आगे बढ़ाना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और सबसे खास बात है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी कहीं ना कहीं इस दौरान बोलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि मेनका गांधी, जो की लोकसभा में सबसे ज्यादा समय से सांसद रहने के तौर पर, आज सेंट्रल हॉल में बोलेंगी। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो वो राज्यसभा, क्योंकि तमाम चीजों के बारे में पीएम मोदी जिक्र करते हुए नजर आए थे। और अब ये विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल पीयूष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।